हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shakespeare.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 42। आज हम जो है लिस्ट्स को देखते हैं, उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एंड हम उनका यूजेज देखते हैं कि हम उन्हें जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। आपको पता है कि ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट आप जो है वो कैसे बनाते थे ये भी आपको पता है, एंड जो है बुलेट्स वगैरह के लिए या आप कस्टमली जो है अगर सीसेस कर सकते जो है करते थे, वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मली जो है एक अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट है आपके पास, हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं। अगर आप जो है वो कस्टम करेंगे, जाहिर सी बात है, तो आप लेफ्ट इन लाइन करेंगे और जो है टेक्स्ट डेकोरेशन डन करेंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे आप। बट यूजिंग कोड नाइटर हम जो है वो चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं तो देखते हैं। हम जो है सीएसएस के सेक्शन में है, आपको पता है कि बूटस्ट्रैप सीएसएस के सेक्शन में है, लेकिन हम लिस्ट में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम है, अनऑर्डर लिस्ट है एंड देन ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आपकी कुछ इस तरीके से आती है बुलेट्स के साथ, एंड ऑर्डर लिस्ट आपकी कुछ इस तरीके से आती है बुलेट के साथ। ये अलग बात है कि भाई ऑर्डर आप जो है अल्फा नंबरिंग करना चाहते हैं या जो है नंबरिंग करना चाहते हैं या स्ट्रिंग करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप जो है आपने जो है पहले भी देखा होगा, लेकिन लिस्ट स्टाइल जैसे आप डिस्प्ले इनलाइन करते थे, सॉरी, बुलेट्स को हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल अनस्टाइल्ड यूज होती है क्लास। हम जस्ट यहाँ आएंगे, हम लिखने की बजाय टाइम का बहुत शॉर्टेज है, दैट्स व्हाई हम आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही करवा रहे हैं ताकि जल्दी जो है वो चीज़ें आपकी वो कवर हो जाए। ठीक है, लिस्ट अनस्टाइल्ड क्लास है। वैसे आप देख सकते हैं कि बुलेट्स आ रहे हैं, जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो वो बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो लिस्ट अनस्टाइल्ड आपके जो है, वैसे आप अगर सीसीएस में करते तो जाहिर सी बात है डेकोरेशन वगैरह वो नन करते हैं आपको। अगर आपको एक ही लाइन में चाहिए तो जस्ट आप यहाँ आएंगे क्लास इनलाइन जैसे ही करेंगे आप, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं एलाइज, तो वो इनलाइन एलिमेंट कर देगा आपके, एक ही लाइन में शो करवा देगा आपको। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि आपके जो है एक ही लाइन में शो हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शंस अगर आप देना चाहते हैं हाईलाइटेड, अगर आप यूएल अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट जो है आप यूज नहीं करना चाहते, तो जस्ट आप जो है वो कॉपी करते हैं कोड को एंड पेस्ट करते हैं। वेलकम, ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वेलकम ऊपर ऊपर जो है हाइलाइटेड है एंड देन जो भी आपने लिखा वो ऐसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एग्जांपल में है हाइलाइटेड है एंड देन ऐसे हैं हाइलाइटेड है एंड देन सेकंड ऐसे है हाइलाइटेड है। ठीक है, डीएल ये सारा जो है डेटा लिस्ट हो गई आपकी, डेटा डीटी जैसे टेबल रो टेबल डेटा है, ये वैसे तो नहीं है लेकिन कुछ उसी तरीके से है। यहाँ पे आपका डेटा आ रहा है और यहाँ पे आपकी टेबल डिस्क्रिप्शंस आ रही है, डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, सॉरी मैं टेबल यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्क्रिप्शंस आप कैसे लेके आ सकते हैं, जस्ट आप क्लास ऐड करें, क्लास हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी आएंगे आप, जैसे बाय डिफॉल्ट वो ऐसे थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो एक लाइन में आ गए हैं। तो आप ये क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है वो कोड के बारे में जो है कोड के बारे में हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बिल्कुल आप अपनी कीमती राय ज़रूर आगा कीजिए हमें, ताकि हमें फीडबैक्स मिलते रहें कि आप जो है लेक्चर्स को इन्जॉय कर रहे हैं, आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।